हेलो, स्वागत है आपका हमारे हमारे चैनल फिडजेट एकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की इंग्लिश का सॉल्यूशन के बारे में, जो आज एग्जाम में पूछे गए थे। इंग्लिश और इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे आज। आज के एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी गई थी, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन आज के इजी थे, टफ टफ नहीं था आज का इंग्लिश का पेपर। आप मॉडरेट लेवल का था, आपने अगर थोड़ा सा भी मेहनत की 1-2 महीने, तो आप आसानी से इससे 15 से 16 नंबर आराम से ला सकते हो। इसमें 15 से 16 नंबर ज़रूरी हैं। आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करिए, जैसे आपके चांस 90% बढ़ जाएं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था रिलक्टेंट का, एंटोनियम्स पूछा गया था। रिलक्टेंट का होता है सिनोनियम्स अनविलिंग, जिसकी अनैच्छुक, कोई इच्छा नहीं करती है, उसे कहते हैं रिलक्टेंट। क्या कहते हैं? रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का सिनोनियम एंटोनियम्स होगा, वो होगा एगर। एगर इच्छुक, विलिंग विलिंग। इसका सिनोनियम्स होता है रिलक्टेंट का अनविलिंग, और एंटोनियम्स होता है एगर या विलिंग। इससे आप कर सकते हो। रिलक्टेंट का एंटोनियम्स पूछा था, रिलक्टेंट का एंटोनियम्स पूछा था। एब्जर्ड, एब्जर्ड का सिनोनियम्स पूछा था। एब्जर्ड कहते हैं रेडिकलस। एब्जर्ड का मतलब होता है रेडिकलस, बेतुका, बेढंगा, रेडिकलस। इसका सिनोनियम्स होगा, वो होगा सेंसलेस। सेंसलेस इसमें ऑप्शन था, सेंसलेस, सेंसलेस, सेंसलेस इसका आंसर होगा। एक था प्रिविलेज की स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, का करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी प्रिविलेज की। प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग, ये करेक्ट स्पेलिंग है प्रिविलेज, ये करेक्टली करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी। अगला पूछा था जैन इज एनोड। एनोड के बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना था आपको, भरना था। यहाँ पर सही प्रपोजिशन भरनी थी। तो आपको पता है एनोड के बाद 2 प्रपोजिशन आती हैं, टू और विद। विद लगाते हैं हम पर्सन के साथ, और टू लगाते हैं कोई वस्तु हो उसके साथ। तो यहाँ पर मी आ रहा है, तो पर्सन आ रहा है, तो इसके साथ आएगी विद, विद आएगी, इसके साथ विद आएगी। अगला था दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसे जीता ना जा सके। इसका वन वर्ड पूछा था, दैट विच कैन नॉट बी ओवरकम, तो वो होता है इनविंसिबल, 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 इनविंसिबल। अगला जो पूछा था वो था करेज, करेज का एडजेक्टिव। तो करेज का एडजेक्टिव होता है करेजियस, करेज का एडजेक्टिव होता है करेजियस, 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 इसका होता है करे जी एस, यूएस लग जाता है। जिनके पीछे यूएस आता है, ओ यूएस आता है, वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। ओ यू एस में है, एक ही आप याद रखिए, जिनके पीछे ओ यू एस आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, करेजियस। सी वाज लाफिंग एट हर हर फ्रेंड, इससे ए वी एस का पी वी बनाना है। ए वी है सी वाज लाफिंग एट हर हर फ्रेंड, तो इसका पी वी होगा, वो होगा हर फ्रेंड को हम इसका पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। हर फ्रेंड वाज बीइंग, वाज बीइंग, बी वर्ब में हम बी वर्ब और प्लस बींग लगाते हैं। वॉज बींग लाफ्ड एट बाई हर, इसके सब्जेक्ट को हम इस पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये रूल मैं करा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, तो उन वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, उस उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है मिस्टर गुप्ता सेड टू हिज वाइफ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना था, तो इसका होगा मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हर वाइफ व्हाट सी वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ यू वाइफ के अनुसार चेंज होगा। और अब देखो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हम सेट टू को आस्कड़ में चेंज कर देते हैं, और जो वॉट होता है उसी को हम इसका कंजंक्शन बना देते हैं, कंजंक्शन बना देते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। इसमें दैट भी लग रहा था एक ऑप्शन में, आपको ये ध्यान देना है। और हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बना देते हैं, या कंजक्शन कहलाएगा ये। यहाँ पर कंजक्शन है, ये वर्ड यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है, इनडायरेक्ट में कंजक्शन का काम कर रहा है। तो आप इसे समझ गए होंगे ध्यान से। और इस आर एम को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, इस आर एम को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे था मिस्टर गुप्ता सेट टू हिज, ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, इसमें एक एरर एरर वाला पार्ट बताना है। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इंडिया, आपको पता है यूनिक, चीफ, सीनियर, जूनियर, ये सारे वर्ड पहले से अपनी सुपरलेटिव फॉर्म में हैं, इसीलिए हम इनसे इनके से पहले
द मोस्ट, द मोर या यूनिकर, कुछ ऐसे का यूज़ नहीं करते हैं। द मोस्ट या द मोर लगाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड जो होते हैं यूनिक, जूनियर, सीनियर, चीफ, इस तरह के वर्ड सारे पहले से सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, तो इन्हें सुपरलेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है और इनमें मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो द मोस्ट आया है वही एरर है कि द मोस्ट नहीं आएगा, द मोस्ट नहीं आएगा। अगला है पूजा वॉज बिजी वैन वी वेंट, यहाँ पर एक खाली जगह थी, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें भरना था इज़ गोइंग, वॉज गोइंग, कुछ ऐसा सा एस था। तो पूजा वॉज बिजी, बिजी थी वैन, कब, जब वह जब हम वहाँ गए थे, गए, तो यहाँ पर डेफिनेट कर दिया, डेफिनेट मतलब पास्ट इंडेफिनेट हो गया इस सेंटेंस, तो इसीलिए यहाँ पर वेंट का यूज़ होगा, वेंट का यूज़ होगा। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। आपको रूल बताया था मैंने पिछली वीडियो में, मैं जब टॉप 50 रूल्स कराए थे ग्रामर एरर के, जब मैंने आपको टॉप 50 रूल कराए थे ग्रामर के, तो मैंने उसमें बताया था कि जब वन ऑफ का यूज होता है, वन ऑफ का यूज होता है, तो इसके बाद आने वाली नाउन प्लूलर होती है, इसके बाद आने वाली नाउन कैसी होती है, प्लूरल होती है, ये याद रखना आपका, आपको ये याद रखना है। तो वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होगा, यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स होगा, क्या होगा, बेस्ट प्लेयर्स होगा। अगला है टर्न डाउन का, ये एडियम फ्रेजेस आया था, फ्रेजल वर्ब थी टर्न डाउन का, तो टर्न डाउन का होता है रिजेक्टेड, टर्न डाउन का क्या होता है रिजेक्टेड, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है रिजेक्टेड होता है, टर्न डाउन रिजेक्ट करना, किसी को निकाल देना। दिस अगला था दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना था विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग बिना बदले ट्रांसफॉर्मेशन करना था। तो ऐसा इस ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में, नहीं तो एक बार और जिन्हें देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी पूछे जा रहे हैं। दिस ट्री इज़ सो हाई, टू को हम सो में चेंज कर देते हैं, हाई हाई यहाँ तक लगाने के बाद दैट का यूज़ करें, फॉर मी को हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे आई, कैन नॉट क्लाइम अप, कैन नॉट क्लाइम अप, इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला था सी एंड नाइदर हैव आई द असाइनमेंट येट हैजंट फिनिश्ड, इसमें चेंजमेंट करना, इसको हमने पैराजम्बल वर्ड्स, पैराजम्बल सेंटेंस था, इसको हमने हमें सीधा करना था, इसे हम सिक्वेंस लगानी थी। तो इसमें क्या है, पहले सी आएगा, उसके बाद हैजंट फिनिश्ड, सी हैजंट फिनिश्ड, उसके बाद द असाइनमेंट येट एंड नाइदर हैव आई, ना मैंने किया है, इस तरीके से होगा इसका सिक्वेंस, एस इस का सिक्वेंस इस तरीके से होगा एस पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू इसका सिक्वेंस होगा। आप इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, फिजिक्स और मैथ की हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे रागा के क्वेश्चन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको और कुछ मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप फिडजेट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फिडजेट अकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर फ्री उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देता है, अच्छा है, ये नया चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, धन्यवाद।